खबर कोटा से। कोटा राजस्थान युवा यादव महासभा व हाड़ौती अहिर सभा की मेघ श्री कृष्ण अहिर छात्रावास गणेश नगर में संभागीय अध्यक्ष गिरिराज यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि राजस्थान युवा यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज को शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के माध्यम से ही समाज की कुरीतियों को दूर किया जा सकता है तथा समाज का सर्वांगीण विकास संभव होगा। सभा के महामंत्री महावीर यादव ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर के कारण स्थगित किए गए परिचय सम्मेलन और भामाशाह सम्मान समारोह को 27 मार्च को आयोजित करके का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। समारोह की संपूर्ण तैयारियां पूर्व में ही हो चुकी है। युवक युवतियों का परिचयात्मक विवरण 20 मार्च तक लिए जाएंगे। इस अवसर पर राजस्थान युवा यादव महासभा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश यादव, कोटा संभाग के अध्यक्ष जगदीश यादव व हाड़ौती अहिर सभा के अध्यक्ष गिरिराज यादव ने भी संबोधित किया। मीटिंग में सभा के संरक्षक भवर लाल, सलाहकार रामपाल यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कन्हैया लाल अहिर, पूर्व अध्यक्ष लालचंद लाछब, महासचिव सत्येंद्र यादव, राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र सिंह, संगठन सचिव शिव प्रकाश यादव, संयुक्त सचिव गिरिराज यादव, जिलाध्यक्ष हरदेव अहिर, प्रबंधक जय नारायण यादव, संयोजक रास बिहारी मेहता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम यादव, सचिव चेतन यादव, महेश यादव, दिनेश यादव, उपाध्यक्ष शैलेश यादव, श्याम यादव आदि उपस्थित रहे। निश्चित रूप से हाड़ौती हरी महासभा और युवा यादव महासभा साथ मिलकर के अच्छा काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से जब कभी भी आप भविष्य में याद करेंगे तो मैं जैसे भी है माफी आपके लिए, पहले भी आते रहे इस जगह से किसी का उद्घाटन था जब जब सुन जी को लेके आए बहुत आगे और आप सबको मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से भाई जगदीश जी महावीर जी सत्येंद्र जी सब नौजवान टीम है आपका नाम लिखे आप सब लोग के हमारे बच्चे रणजीत सर काम कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। नौजवान साथी नदी बैठे हमारे और बुजुर्गों का आशीर्वाद मार्गदर्शन लेते रहो और आगे बढ़ते रहो। बुजुर्गों को हमेशा आशीर्वाद और मार्गदर्शन बहुत जरूरी है क्योंकि उनके पास जीवन का अनुभव है तो अनुभव उनको उनसे मिलेगा। काम मेहनत आप लोग करोगे निश्चित।